बच्चों स्वागत है आप लोगों का एलवी स्टडी फेस थ्री के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल सीरीज के अंदर होम टैब। होम टैब में बेसिकली क्या होता है वो सब सब समझेंगे आज। सबसे पहले जो टैब्स होते हैं हमारे अंदर, इसके अंदर होते हैं हमारे पेस्ट के, मतलब क्लिप बोर्ड होते हैं। क्लिप बोर्ड बेसिकली क्या करता है, जो भी आप फॉर्मेटिंग करते हो पेस्ट कॉपी और कॉपी को फिल करना प्रॉपर तरीके से, वो सब चीजें कैसे करेंगे उससे भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना करते हैं, पहला मिलेगा आपको पेस्ट। पेस्ट के लिए आपको पहले डेटा कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ से जाना सिलेक्शन देना और यहाँ से ये ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे कॉपी करना। कंट्रोल सी से भी कर सकते हो और सिंपल भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर सकते हो इसके जरिए। क्लिक करना है यहाँ पे, तो देखो आपका डेटा जो भी कॉपी किया होगा वो आपको यहाँ पर कॉपी होकर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपको यहाँ पे आप कट। कट और कॉपी में क्या अंतर होता है, कॉपी और कट बेसिकली करता क्या है, कट जो होता है आपका एक डेटा को रिप्लेस करे, मतलब एक जगह यहाँ से मैंने डेटा कंटेंट यहाँ से लिया और इसे कट कर दिया, तो मतलब ये वाला एरिया आपको खाली कर देगा और जहाँ आप पेस्ट करोगे वहां पे एरिया वो फिल कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ से इनने क्या किया, यहाँ से ये खाली कर देगा। कॉपी में क्या था, जो को डेटा कॉपी कर डुप्लीकेट कर देगा जहाँ पे आपको रखना है। और जो कट में क्या होगा, बेसिकली जो एरिया आप लोगे वहां से हटा देगा और दूसरी जगह वो पेस्ट कर देगा। ये हमारा कट था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा दोस्तों हमारा यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर बेसिकली क्या रहेगा कि मान लो हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे इसे डिजाइन चेंज कर दिया, यहाँ से स्टाइल चेंज कर दिया, इस तरीके से चेंज कर दिया और यहाँ से मैंने क्या किया इसका कलर चेंज कर दिया, मैंने येलो दे दिया। अब मुझे क्या करना है, ये कंडीशन है मेरी सब में डालने हैं, तो एक तरीका क्या है हमारे पास कि आप क्या करो यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करो, वन टैप करो। ठीक है, क्या किया मैंने, वन टैप किया और इस एरिया को सिलेक्शन दे दो। सिलेक्शन देकर क्या किया, वो ऑटोमेटिक वो एरिया आपका जो फॉर्मेटिंग आपका जो था पहले उसको कॉपी करेगा और उस एरिया को अप्लाई कर देगा बाकी बचे हुए एरिया में जो आपने सिलेक्शन दिया हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ ये एक बार सिलेक्शन दिया और बाकी में ये ऑटोमेटिक हट गया। अब मुझे क्या करना है कि ये कंटिन्यू बना रहे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एरिया सिलेक्शन देना जो अप्लाई करना है, तो उसमें फॉर्मेट प्रिंटर पर जाकर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे कर दिया और जहां पे अप्लाई करना उस एरिया को सिलेक्शन दोगे इस तरीके से, तो देखो ये आपका एरिया अप्लाई कर देगा। अभी भी ये मेरा फॉर्मेट प्रिंटर हटा नहीं है, आपको बोल रहा है कि आपको और भी जगह अप्लाई करना तो कर सकते हो, अन्यथा आप स्केप प्रेस करोगे तो ये वो आपका एरिया हट जाएगा, मतलब जो फॉर्मेट प्रिंटर आ रहा था हमारा वो आपका हट जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट प्रिंटर का काम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे मिलेगा आपको स्टाइल, मतलब डिजाइन वगैरह चेंज करनी है आपको टेक्स्ट वगैरह की, तो आप पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे अप्लाई करना वो एरिया सिलेक्शन दो और वहाँ पे आप आराम से उसे अप्लाई करो। जैसे देख रहे हो तो मेरी स्टाइल जो है अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। ये हमारा क्या है, स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं इसका। इसके अलावा हमारे पास यहाँ मिलेगा साइज वगैरह, जो भी अप्लाई करना है यहाँ पे आप साइज वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो अपने तरीके से, जो भी चाहिए। मैंने 28 ले लिया, तो 28 देखो इतने तरीके हो जाएगा। बेसिकली जो फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट होता है वो 12 या 11 लेते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे 11 ले लिया, देखो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे 11 दिया था आपने दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। मुझे कंटेंट को अपना बोल्ड करना है तो आप क्लिक कर दो, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई को री अप्लाई कर दो, क्लिक करना यहाँ पे कंट्रोल बी से बोल्ड। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट की रहेगा कंट्रोल बी, फिर ये रहेगा हमारा इटैलिक। इटैलिक के लिए कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हो आप, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर रहेगा आपको यहाँ पे अंडरलाइन। अंडरलाइन देने के लिए कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे टैब के अंदर क्लिक कर सकते हो, टैब आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप आ जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा डबल अंडरलाइन। अगर आपको डबल अंडरलाइन अप्लाई करना तो आप डबल अंडरलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, क्लिक करना तो देखो यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, अंडरलाइन था, मैंने क्लिक किया ये हट जाएगा। अब उसके बाद आपको कुछ बॉर्डर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, देखो बॉर्डर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे बॉर्डर्स मिल जाएंगे, जो टाइप चाहिए आपको अपने तरीके से यूज कर सकते हो। तो मैंने लिखा बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, टॉप बॉटम पे क्लिक करूंगा तो देखो जहां मैंने क्लिक किया हुआ आपका बॉटम में एक बॉर्डर बनकर आ जाएगा। देखो कैसे समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ, क्लिक कर लेते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, देखो लेकिन इसमें मेरा बॉर्डर आ रहा आउटसाइड, तो पहले इसमें जो बॉर्डर दे रखा है वो हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे नो बॉर्डर कर दिया, नो बॉर्डर दिख रहा है आपको यहाँ पे, नो बॉर्डर। देखो यहाँ पे जो बॉर्डर था वो आपका हट गया। अब मुझे यहाँ पे बॉटम, मतलब यहाँ पे एक लाइन चाहिए नीचे बॉटम में, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ बॉटम बॉर्डर मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको एक पतली सी लाइन निकल के आ जाएगी, देख पा, जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं इस तरीके से, देखो ये बॉर्डर आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे और भी बॉर्डर से आप अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर ड्रॉ करनी है क्लिक करो, पेन आएगा आपके पास, जो भी बॉर्डर ड्रॉ करना अपने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो।
कैसे लेना है कैसे नहीं, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर रहेगा ड्रॉ करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास ड्रॉ टेबल बॉर्डर ग्रिड करना है, तो आप बॉर्डर ग्रिड भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से सिलेक्शन दो, देखो ऑटोमेटिक आपको ये दे देगा बॉर्डर बनाकर, ठीक है। ये हमारा ग्रिड मतलब एक टाइप का टेबल टाइप का होता है, ये बनाकर आपको देता जाएगा ऑटोमेटिक। सिर्फ आपको ड्रॉ करना है, ड्रैग करके क्लिक, और नीचे आएंगे इरेजर करना है, बॉर्डर को इरेज करना है, तो आप इरेज भी कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब जो भी डेटा बॉर्डर वगैरह होगी वो आपका रिमूव कर देगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर होगा। नेक्स्ट चलते हम लोग लाइन कलर। आपको जो बॉर्डर है आपके पास उस पर लाइन वगैरह कलर देना है, तो आप कलर वगैरह भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रेड ले लिया, तो ये पेन आ जाएगा आपके पास, बस आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से। देखो इस तरीके से आपका वो कलर भी दे देगा और बॉर्डर भी बनाकर दे देगा, ठीक है। ये हमारा रहेगा बॉर्डर का टाइप्स ऑफ बॉर्डर। उसके बाद हमें पास मिलेगा यहाँ पे कलर वगैरह मिल जाएंगे, फिल करना आपको एरिया। मैंने सिलेक्शन दिया ये पार्टिकुलर एरिया, और इस पर क्या करना कलर देना, तो आप यहाँ पे अपना तरीके से कलर भी फिल कर सकते हो। ये हमारा क्या रहेगा फिल कलर, फिल बोलते हैं बेसिकली से। उसके बाद हमारा फॉन्ट कलर चाहिए, आपको फॉन्ट कलर भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिखा हुआ है, इससे मुझे कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ये कलर भी फिल कर देगा। तो डेटा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। ये हमारा क्लिप बोर्ड और फॉन्ट का फॉर्म टैब था। आज सिर्फ हम इतने ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आपको जो भी वीडियो वगैरह होती है हमारी, प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप कॉमेंट करके सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो, जो भी वो डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं।